दिस इज़ मारिया अथर फ्रॉम बुटीक वन। हाउ इज़ एवरीबडी। आज यहाँ पे ईद का तीसरा दिन है दुबई में, और आज मैंने अपने घर में पार्टी रखी हुई थी। ज़्यादा लोगों को तो यहाँ बुलाना अलाउड नहीं है, और पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह जो किया है या कोविड की वजह से इतने लोगों को नहीं मिलना मिलाना चाहिए। बट फिर भी मैंने अपनी बहन को बुलाया हुआ था, और हम लोग थ्रू आउट मिलते रहे हैं जब यहाँ पे मिलना अलाउड हुआ था, तो उसको मैंने बुलाया हुआ था। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज थकी हुई शक्ल आपको मेरी लग रही होगी, क्योंकि सारा दिन काम करके आओ तो यही होता है। तो मैंने कहा आके आप लोग को अपने आज के कपड़े दिखाऊँ, एंड देन जाके छुट्टी करूँ, नमाज पढ़ूँ और सोऊँ। हे एवरीबडी, सो कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? बकरे वगैरह हो गए, गाय हो गई, या कहीं हिस्सा डाला हुआ था वो हो गया आप लोगों का सब कुछ? यहाँ ईद बहुत अच्छी गुजरी, तीनों दिन कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे, मज़ा आया, इंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद सही से गुजर गई। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। सो यस, आज मेरे घर पार्टी थी, मैंने को बहुत एलेबरेट नहीं की हुई थी। बहन को बुलाया हुआ था, उसने कहा था सिर्फ पुलाव बनाओ, तो शी लाइक्स माई पुलाव, तो पुलाव फिर बड़ी थी तो उस चक्कर में रान बना ली, और एक मैं कुरकुरी भिंडी बनाती हूँ वो बनाई, दैट्स इट, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन इट वॉज़ नाइस। ये ड्रेस सोबिया नज़ीर का है, इट्स वेरी, जब ये आया था तो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो तस्वीरें थी इस ड्रेस की वो लगता था कि तिल्ले का काम हुआ है, लेकिन जब मैंने पहना तो ये रेशम का काम हुआ है, जिसकी वजह से वो शाइन आ रही थी, तो इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस। तस्वीरों में और ज़्यादा अच्छा आता है ये अलग बात है, लेकिन सामने से भी बहुत प्यारा है। बूटी वाले कपड़े अगर किसी को पसंद हो तो उनको ज़रूर पसंद आएगा। दुपट्टा वॉज माई फेवरेट, एक्चुअली दुपट्टा ही वॉज द रीज़न वाई आई ऑर्डर द ड्रेस, एंड आई एब्सोल्युटली लव द दुपट्टा, आई स्टिल लव द दुपट्टा, आई लाइक द ड्रेस ऑल्सो। सो इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस, दिस इज बाई सोबिया नज़ीर। सोबिया नज़ीर के बहुत प्यारे कपड़े थे इस दफ़ा, एंड आई रियली लाइक हर क्लोथ्स। तो आई शो यू माई ड्रेस एंड देन आई विल टेक अ लीव। थोड़े बहुत इसमें ज़ाहिर है मैंने कुछ चीज़ें करनी थी, कमीज़ लंबी बनानी थी, ये वैसे एक्चुअली सोबिया नज़ीर वाले उसमें छोटी बनी हुई थी, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक इट लाइक दैट, सो लेट मी शो यू माई क्लोथ्स एंड देन आई विल डू छुट्टी। आप लोगों को अक्सर लगता होगा कि मारिया तो हर चीज़ कर लेती हैं, हर चीज़ उनके लिए बड़ा आसान है, बिल्कुल नहीं होता। देखो आई एम सो टायर्ड, बट आई स्टिल केम टू शो यू माई ड्रेस बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल थ्री लुक्स ऑफ माई ईद। तो मैं ये दिखाने आई थी आपको, अभी मैं फ्लैट में आ चुकी हूँ। पहले मैंने हील्स पहनी हुई थी, लेकिन वो 5-7 मिनट के लिए तस्वीरों के लिए सिर्फ, उसके बाद मैंने चेंज कर लिए थे जूते। वेरी प्रिटी क्लोथ्स, बूटी वाला काम हुआ है, ये ऑर्गेंजा का उसने पैच दिया था जो गले पे आया है। जो उसकी मॉडल की पिक्चर्स हैं उसमें लगता था कि तिल्ले का काम है, बट इट्स नॉट तिल्ले का काम, इट्स रेशम का काम, जो कि एक्चुअली शाइन भी कर रहा है, इट्स लुकिंग नाइस ऑल्सो। दुपट्टा इज ऑर्गेंजा एंड इट्स प्रिंटेड ऑर्गेंजा एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी, और जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना ब्लू के साथ इसका, वो बहुत अच्छा आ रहा है, जिसकी वजह से ये जोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट भी लगा। तो जिन डिज़ाइनर्स ने बहुत ज़्यादा पिछले सालों के अपने ही कपड़ों जैसे बनाए थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, इट्स वेरी वेरी लुक्स लाइक ऑर्गेंजा के दुपट्टे आर एक्सट्रीमली इन, और सोबिया नज़ीर ने बहुत ही खूबसूरत काम किया, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस जोड़ा। हालांकि मुझे बूटी वाले कपड़े बिल्कुल भी ज़्यादा अपील नहीं करते, क्योंकि बूटी वाले कपड़े आपको याद होगा कि बहुत अरसे से बरीजे भी बनाता था, और ये पेशावर की शॉप्स वगैरह में भी बहुत आराम से आपको बूटी वाला कपड़ा मिल जाता था। सोबिया नज़ीर की मॉडल ने जो तस्वीर पहनी थी उसने उसमें स्लीवलेस पहना हुआ था, तो दे डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द बाजू, इसमें सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सिर्फ प्रिंट है, आगे ऑर्गेंजा वगैरह मैंने खुद लगाई है। तो उनको चाहिए कि अगर वो काम दे रहे हैं, कुछ बूटी वगैरह दे रहे हैं, तो बाजुओं में भी करें। सब लोग स्लीवलेस नहीं पहनते, अगर आप कुछ स्लीवलेस दिखा रहे हो तो एटलीस्ट उसमें स्लीव्स का ऑप्शन शुड बी आल्सो। बैक साइड इज प्रिंटेड, बैक साइड अगर प्लेन भी होती तो आई वुड नॉट हैव माइंडेड, इट वुड हैव लुक्ड वेरी प्रिटी स्टिल, लेकिन इट्स ओवरऑल अ वेरी प्रिटी जोड़ा। लव लव द दुपट्टा, दैट इज माई फेवरेट। यार मैं एक्चुअली फैशन पे बात करती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ अबाउट फैशन, लेकिन बहुत अरसे से मेरे अपने कपड़े नहीं पहुँचे हुए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फैशन पे बात नहीं कर रही थी, और लोग मुझे कहते भी थे आके बताओ, हमें बताओ, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए। तो फाइनली मेरे कपड़े पहुँचे थे, मेरे ड्रेसेस वगैरह पहुँच गए थे, तो आई केम एंड स्टार्टेड शोइंग यू दोज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून इंशाल्लाह विद मोर क्लोथ्स, मोर आइडियाज ऑन ड्रेसिंग एंड हाउ टू look beautiful and feel beautiful inshallah. Thank you so much, love you all, bye bye.